लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं और हारा वही इंसान जो लड़ा नहीं। इसलिए उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। नमस्कार, संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति सुप्रभात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल और सबसे पहले बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर तक। विशेष सत्र के दौरान होंगी 5 बैठकें, संसदीय कार्य मंत्री ने की घोषणा। भारत का विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहना बरकरार। अप्रैल से जून तक देश की जीडीपी में 7.8% की बढ़ोतरी। काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना का पूर्ण क्षमता के साथ परिचालन शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को दी बधाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुंबई में युद्धपोत महेंद्र गिरी का करेंगे जलावतरण। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के विरासत संग्रहालय धरोहर का भी करेंगे दौरा। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो अपने पहले सोलर मिशन आदित्य L1 के लॉन्च के लिए तैयार। 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया जाएगा लॉन्च। और अब बात विस्तार से। संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक आयोजित होगा। सत्र के दौरान 5 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर गुरुवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अमृतकाल के दौरान सरकार संसद में सार्थक बहस और चर्चा कराना चाहती है। ये विशेष सत्र 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र होगा। इससे पहले 20 जुलाई को शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र 11 अगस्त को संपन्न हुआ था। संसद के मॉनसून सत्र में 23 विधेयक पारित किए गए। इनमें डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा विधेयक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सेवाएं संशोधन विधेयक शामिल हैं। देश के लिए आर्थिक क्षेत्र से भी एक अच्छा समाचार। भारत अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। इस वर्ष अप्रैल से जून तक देश की जीडीपी 7.8% बढ़ी है। भारत ने 2023-24 की अप्रैल जून तिमाही में 7.8% की आर्थिक वृद्धि दर दर्ज की और मुख्य रूप से कृषि और वित्तीय क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन के कारण सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनी रही, जैसा कि गुरुवार को सरकारी आंकड़ों से पता चला। 2022-23 की अप्रैल जून तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 13.1% की वृद्धि हुई। भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहा क्योंकि चीन ने अप्रैल से जून 2023 में 6.3% की वृद्धि दर्ज की है। गुजरात के काकरापार में 700 मेगावाट क्षमता वाले पहले सबसे बड़े स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाई ने पूरी क्षमता के साथ संचालन शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर लिखा, गुजरात के काकरापार स्थित एटॉमिक पावर स्टेशन की इकाई 3 ने पूरी क्षमता के साथ संचालन शुरू कर दिया है। उन्होंने इसे देश की एक और बड़ी उपलब्धि बताया और इसके लिए वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी। आपको बता दें कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL काकरापार में 700 मेगावाट के 2 दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर का निर्माण कर रहा है। काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना के रिएक्टर ने 30 जून को वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया था, लेकिन अब तक ये अपनी 90% क्षमता पर काम कर रहा था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ आज मुंबई में युद्धपोत महेंद्र गिरी का जलावतरण करेंगे। ये युद्धपोत मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL द्वारा बनाया गया है। उपराष्ट्रपति मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के विरासत संग्रहालय
धरोहर का भी दौरा करेंगे। एमडीएल द्वारा निर्मित महेंद्रगिरी चौथा युद्धपोत है और भारतीय नौसेना की परियोजना 17A के तहत सातवां स्टील्थ फ्रिगेट है। ओडिशा में पूर्वी घाट की पहाड़ी चोटियों के नाम पर महेंद्रगिरी का नाम रखा गया है। इस युद्धपोत में हवा से हवा में मार कराने वाली मिसाइल है, एंटी शिप मिसाइल, एंटी सबमरीन मिसाइल और स्वदेशी रूप से विकसित हथियार प्रणाली शामिल है। ये हथियार और सेंसर फ्रिगेट्स को विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को मारने में सक्षम बनाते हैं। इसमें दो RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स लगे हैं, यानी यहां से 72 रॉकेट्स दागे जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक 76 मिलीमीटर की ऑटो मिलारा नौसैनिक गन लगी है, दूसरी तरफ दो AK-630M CIWS गन लगी है जो दुश्मन के जहाज, हेलीकॉप्टर, बोट्स या मिसाइल पर ऑटोमेटिकली हमला करने में सक्षम है। साथ ही इसे जंगी जहाज पर दो ध्रुव हेलीकॉप्टर या दो सी किंग एम के हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। इस जहाज पर दो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स को रखने के लिए बंद हैंगर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान राष्ट्रपति आज घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सकारात्मक परिवर्तन वर्ष के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि आज हम प्रौद्योगिकी के युग में जी रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से कुछ समय दूर रहना भी जरूरी है। ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं और बच्चे भी आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बात करते हैं, लेकिन ये भी आवश्यक है कि हम दिन का कुछ समय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहकर बिताएं। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में अद्वितीय प्रतिभा होती है। दूसरों से प्रेरणा लेना अच्छी बात है, लेकिन अपनी रुचियों और क्षमताओं को समझकर सही दिशा का चयन करना चाहिए। इसके लिए स्वयं से संवाद जरूरी है। अंतर्मन को जागृत करके व्यक्ति अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकता है। सकारात्मक सोच और कार्यों से न केवल अपना जीवन बल्कि अपने आसपास के लोगों का जीवन भी बेहतर बनाया जा सकता है। आंतरिक शक्ति के विकास के लिए अपनी रुचि के अनुसार सकारात्मक कार्य करते रहिए और सदा पॉजिटिव थॉट्स और गुड कंपनी के साथ रहिए। ऐसे लोगों के बीच में रहिए जो आपको सही रास्ता पर चलने की प्रेरणा दे सके और आगे बढ़ने में आपका साथ भी दे। विश्व शतरंज चैंपियनशिप के उपविजेता भारतीय शतरंज खिलाड़ी और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उनका परिवार भी उनके साथ था। प्रधानमंत्री ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप के उपविजेता रमेश बाबू प्रज्ञानंद से कहा कि आप जुनून और दृढ़ता के परिचायक हैं। आपका उदाहरण दिखाता है कि कैसे भारत का युवा किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त कर सकता है। सभी भारतीयों को आप पर गर्व है। उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य के विदेश मंत्री बुजर उस्मानी ने गुरुवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उनके निवास पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। इसमें दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों पर बल दिया गया, साथ ही साझा मूल्यों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। भारत और मैसेडोनिया के बीच मजबूत संबंधों को रेखांकित करने के साथ ही दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव पर भी दोनों पक्षों ने चर्चा की। इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा है कि चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम पर चंद्र भूकंपीय गतिविधि उपकरण पेलोड ने
26 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर हुई एक प्राकृतिक घटना को रिकॉर्ड किया, जिसके स्रोत की अभी भी जांच चल रही है। संभवतः ये घटना चांद पर उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों की हो सकती है। लैंडर विक्रम पर लगे चंद्र भूकंपीय गतिविधि उपकरण ISA का प्राथमिक उद्देश्य प्राकृतिक भूकंपों, प्रभावों और कृत्रिम घटनाओं से उत्पन्न जमीनी कंपन को मापना है। ISA ने 25 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर रोवर की गति के कंपन को भी रिकॉर्ड किया था। इससे पहले इसरो ने चंद्रमा के साउथ पोल रीजन पर प्लाज्मा पार्टिकल्स की जांच के बारे में जानकारी दी थी। चंद्रयान 3 की चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग होने के बाद इसरो अपने पहले सोलर मिशन आदित्य L1 के लॉन्च के लिए तैयार है। आदित्य L1 को कल यानी 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सुबह 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा। इसरो अंतरिक्ष यान को हेलो कक्षा में स्थापित करना चाहता है, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। क्या है इसरो का पहला सोलर मिशन आदित्य L1, आइए जानते हैं। और अब बात खेल जगत की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने गुरुवार को ओमान के सलालाह में पुरुष एशियाई हॉकी 5S विश्व कप क्वालिफायर में मलेशिया और जापान पर 7-5 और 35-1 से शानदार जीत दर्ज की है। जापान के खिलाफ हुए अविस्मरणीय मैच में मनिंदर सिंह ने सबसे ज्यादा 10 गोल किए, जबकि मोहम्मद रहील ने 7 गोल जमाए। पवन राजभर और गुरजोत सिंह ने 5-5, सुखविंदर ने 4, मनदीप मोर ने 3 और जुगराज सिंह ने 1 गोल किया। जापान की ओर से मसताका कोबोरी ने मुकाबला खत्म होने से पहले जापान का एकमात्र गोल किया, लेकिन ये गोल विशाल हार के अंतर को न के बराबर ही कम कर सका। दिन में 2 बड़ी जीत के साथ भारत 12 अंकों के साथ एलीट पूल तालिका में दूसरे स्थान पर रहने में सफल रहा और सेमीफाइनल के लिए सीधी योग्यता अर्जित की। भारत टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मैच शनिवार 2 सितंबर को भारतीय समय के अनुसार 1:30 बजे खेलेगा। विश्व चैंपियन और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने शुक्रवार को ज्यूरिख में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.71 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले चोपड़ा अपने डायमंड लीग खिताब का बचाव करने में असफल रहे और चेक गणराज्य के जैकब वाडलेट से थोड़ा पीछे रह गए, जिन्होंने ट्रॉफी अपने नाम की थी। जर्मनी के जूलियन वेबर को 85.04 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ तीसरा स्थान मिला। नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर भाला फेंक कर हाल ही में विश्व चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल जीता था। फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाते जाते आपको दिखाते हैं आज के दिन से जुड़ा इतिहास। आप बने रहिए सुप्रभात के साथ। 1 सितंबर साल 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसकी स्थापना से पूर्व भारतीय संविधान ने जून 1956 को लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट पास किया। LIC को भारत सरकार से 5 करोड़ रुपए की पूंजी योगदान के साथ गठित किया गया। इसका उद्देश्य है जीवन बीमा को बड़े पैमाने पर फैलाना, खास तौर पर गांवों में, ताकि भारत के हर नागरिक को पर्याप्त आर्थिक सहायता उचित दरों पर उपलब्ध करवाई जा सके।
जीवन बीमा का इतिहास पुराना है। दरअसल 1818 में भारत की धरती पर पहली जीवन बीमा कंपनी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने काम करना शुरू किया था। 1 सितंबर साल 1985 को विश्वविख्यात जहाज टाइटैनिक की खोज हुई। इसकी खोज फ्रांसीसी समुद्र विज्ञानी व इंजीनियर जीन लुई मिशेल और अमेरिका के समुद्री भूविज्ञानी रॉबर्ट बेरोट ने की। अप्रैल 1912 में इस जहाज ने इंग्लैंड के साउथम्पटन बंदरगाह से अपनी पहली यात्रा न्यूयॉर्क शहर के लिए शुरू की। टाइटैनिक उस समय दुनिया का सबसे आलिशान और सबसे बड़ा भाप से चलने वाला यात्री जहाज था। 4 दिन की यात्रा के बाद रात के अंधेरे में टाइटैनिक समुद्र में तैरते विशाल हिमखंड से टकराया और कुछ ही घंटों में यह समुद्र में डूब गया था। उस वक्त टाइटैनिक पर लगभग 2200 यात्री सवार थे, जिसमें से 1500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस भीषण हादसे में 500 से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकी। टाइटैनिक को उस समय के सबसे अनुभवी इंजीनियरों ने डिजाइन किया था और इसके निर्माण में उस समय की सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इतिहास के पन्नों में यह हादसा सबसे भीषण जहाज दुर्घटनाओं में से एक है। साल 1997 में जेम्स कैमरन के निर्देशन और लियोनार्डो डिकैप्रियो व केट विंसलेट अभिनीत इस विशालकाय और आलिशान जहाज पर बनी फिल्म टाइटैनिक को खूब सराहा गया। भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 17A क्या है? प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट्स को भारतीय नौसेना ने 2019 में लॉन्च किया था। इस परियोजना को स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की एक श्रृंखला के निर्माण के लिए लॉन्च किया गया था, जिसका निर्माण वर्तमान में 2 कंपनियों मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कर रही है। प्रोजेक्ट 17A के तहत लॉन्च किया गया पहला स्टील्थ शिप नीलगिरी था, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था। इस प्रोजेक्ट को आत्मनिर्भर भारत के तहत हम खुद निर्माण कर रहे हैं। 2019 और 2023 के बीच अब तक 6 जहाज लॉन्च किए गए हैं। ये INS नीलगिरी, INS हिमगिरी, INS उदयगिरी, INS दुनागिरी, INS तारागिरी और 6ठा युद्धपोत INS विंध्यगिरी है, जिसे हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोजेक्ट 17A के तहत लॉन्च किया है। P-17A फ्रिगेट्स निर्माण में 7वां और आखिरी युद्धपोत है INS महेंद्रगिरी। I am happy to be here at the launch of Vindhyagiri. This event marks a move forward in enhancing India's maritime capabilities. Vindhyagiri is also a step towards achieving the goal of Atmanirbhar Bharat through indigenous shipbuilding. I congratulate the Indian Navy and everyone involved in the design and construction of this ship. Frigates एक तरह का वॉरशिप होता है, जो एयरक्राफ्ट करियर से छोटा होता है। वजन में हल्का होने के कारण एस्कॉर्ट और सुरक्षा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एंटी सबमरीन, एंटी शिप और एंटी एयर की कैपेबिलिटी होती है। प्रोजेक्ट 17A के तहत इन गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स का निर्माण एक विशिष्ट स्टील्थ डिजाइन के साथ किया गया है, जिसमें रडार से बचने की तकनीक शामिल है, जो इसे दुश्मन की नजरों से बचाता है। नई तकनीक से जहाज के इंफ्रारेड सिग्नल भी कम हो जाते हैं। प्रोजेक्ट 17A के लगभग 75% ऑर्डर स्वदेशी है। इस प्रकार आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को भी बल मिलता है और स्टील्थ फ्रिगेट्स जैसे जटिल फ्रंटलाइन जहाज के स्वदेशी निर्माण से जहाज निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की नारी को भी हम सच कर रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है सुप्रभात में। संविधान में सभी नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों की श्रृंखला में आज बात करेंगे
तीसरे मौलिक कर्तव्य की। भारतीय संविधान में कर्तव्यों को शामिल करने का मूल विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। वर्ष 1976 में ये मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किए गए। इन्हें संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को एक निरंतर अनुस्मारक यानी कि रिमाइंडर के रूप में ये बताना है कि संविधान ने विशेष रूप से उन्हें कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन नागरिकों को लोकतांत्रिक आचरण और लोकतांत्रिक व्यवहार के बुनियादी मानदंडों का पालन करने की भी आवश्यकता है। आइए आपको बताते हैं मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल सातवां कर्तव्य क्या है। सातवां कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, उनकी रक्षा और संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। असम के जोरहाट जिले के रहने वाले चादव पायेंग ने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अकेले अपने दम पर 1360 एकड़ का जंगल खड़ा कर दिया। वर्ष 2015 में पद्मश्री से सम्मानित हो चुके फॉरेस्ट मैन जादव पायेंग इस कर्तव्य के निर्वहन के सबसे बड़े उदाहरण हैं। उन्होंने न सिर्फ खुद इस कर्तव्य को पूरा किया है, बल्कि लोगों को ऐसा करने के लिए प्रेरित भी किया। प्रकृति के प्रति ये उत्तरदायित्व, ये कर्तव्य भारतीय सदियों से निभाते आ रहे हैं। राजस्थान के सूखे से निपटने के लिए वर्षा जल संचयन के लिए बने तालाब और बावड़ियां इन्हीं का उदाहरण है। बनवारी वालों की इकाई और बनाने वालों की दहाई से बने ये सैकड़ों तालाब लाखों लोगों की प्यास इसी प्रकार बुझाते थे। प्रधानमंत्री लगातार पर्यावरण के प्रति अपने इस कर्तव्य की चर्चा करते रहते हैं। अपने मानसिक कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से भी वे पर्यावरण को बचाने का संदेश प्रेषित करते रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा ने हमें प्रकृति के साथ संघर्ष करना नहीं सिखाया है, हमें प्रकृति के साथ सद्भाव से रहना है, प्रकृति के साथ जुड़ करके रहना है। महात्मा गांधी ने तो जीवन भर हर कदम इस बात की वकालत की थी। जब आज भारत क्लाइमेट जस्टिस की बात करता है, जब भारत ने COP21 और पेरिस समझौते में प्रमुख भूमिका निभाई, जब हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से पूरी दुनिया को एकजुट किया, तो इन सब के मूल में महात्मा गांधी के उस सपने को पूरा करने का एक भाव था। हम सब इस बारे में सोचें कि हम अपने प्लेनेट को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, क्या इनोवेटिव कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों की तरह ही मौलिक कर्तव्यों को लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए जितने आवश्यक मौलिक अधिकार होते हैं, उतने ही अहम होते हैं मौलिक कर्तव्य। देश के नागरिकों से इस बात की उम्मीद की जाती है कि वे अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करें। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद की देखभाल करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ और पौष्टिक आहार लेना हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है, और यही सिद्धांत राष्ट्रीय पौष्टिकता सप्ताह के पीछे है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर देखते हैं एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह एक महत्वपूर्ण आयोजन है, जो पोषण के महत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को सही पोषण के महत्व के बारे में जागरूक करना और स्वस्थ आहार और जीवन शैली के बारे में प्रोत्साहित करना होता है।
राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के दौरान सेमिनार, वेबिनार, शिक्षा कार्यक्रम और स्वास्थ्य शिविर जैसी विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से लोगों को सही पोषण के महत्व, अच्छे स्वास्थ्य के लिए सही आहार का चुनाव, मातृ और शिशु पोषण और युवाओं के लिए स्वस्थ जीवन शैली के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है। पोषण सप्ताह के दौरान स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों में भी विभिन्न प्रकार के पोषण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे लोगों की पोषण से जुड़ी जानकारी बढ़ सके। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2023 की थीम महिला और स्वास्थ्य और बच्चे और शिक्षा है। ये थीम पोषण के महत्व पर प्रकाश डालती है और ये बताती है कि कैसे पोषण महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भारत में जन जन तक सही पोषण के महत्व को पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है, जो सामाजिक और स्वास्थ्य उन्नति की दिशा में कदम बढ़ाने में मदद करता है। भारत की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। ये वैश्विक आयोजन 9 से 10 सितंबर को होने जा रहा है। दुनिया भर के नेताओं और प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। चलते चलते आपको दिखाते हैं इन तैयारियों की एक झलक। आप देखते रहिए सनसेट टीवी, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।